पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा लगातार अपने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए अभियान छेड़े हुए है। इसी कड़ी में आज सभी विधानसभाओं में विजय संकल्प बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा विधायकों पदाधिकारियों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। शहर में दो जगह से बाइक रैली निकाली गई। इसमें शहर विधानसभा की रामलीला मैदान लाइन पार और देहात विधानसभा में सोनकपुर स्टेडियम से रैली निकाली गई, जिसे प्रभारी नवाब सिंह नागर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तो देहात विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली को लोकसभा प्रभारी विनोद अग्रवाल के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। भाजपाइयों की इस रैली में खूब जोश दिखा। सभी ने देशभक्ति गीतों पर खूब जोश दिखाया। वहीं भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ता भी बेहद जोश में दिखी और पूरे उत्साह के साथ रैली में शिरकत की। रैली की शुरुआत सोनकपुर स्टेडियम से हुई, जो रामगंगा विहार, सेल टैक्स, विवेकानंद अस्पताल, कांट रोड, हरथला, मधुबनी, पीएससी, नवीन नगर, जिगर कॉलोनी, बंगला गांव, डिप्टीगंज, बालाजी मंदिर, गुरहट्टी, जैन मंदिर होते हुए कंपनी बाग में संपन्न हुई। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रिया अग्रवाल ने कहा कि इस रैली के माध्यम से युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भाजपा से जोड़ना है, ताकि आने वाले चुनावों में भाजपा को वोट देकर मजबूत बनाए। इसके अलावा जनपद में 6 विधानसभाओं पर भी अलग अलग नेता के नेतृत्व में बाइक रैली निकाली गई। Thank you.